हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि फोटोशॉप में कोलाज कैसे बनाते हैं। मतलब कोलाज होता है जो मर्जिंग वाला होता है, जिनके बॉर्डर्स नहीं होते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए बहुत सारी, तो हम अपनी फ़ोटोशॉप में ले आते हैं सारी। तो आपको जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ का एक पेज ओपन करना है कंट्रोल एन से। चलो हम 8x10 का ही खोल लेते हैं। रेजोल्यूशन उसकी 200 कर लेते हैं, 300 भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। उसको सीधा कर लेते हैं। अब इसकी बैकग्राउंड मैं ब्लैक रखता हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मगर मैं ब्लैक रखता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि ऐसा आप कोलाज कैसे बना सकते हो। बहुत अच्छे बन सकते हैं ऐसे, बट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे बनता है। सब सारी फ़ोटो इधर शिफ्ट कर लेनी है। तो ये सारी फोटो एक में आ गई। पहले सारी फोटो हमको ना, हमें सारी फोटो छोटी कर लेनी है। मतलब कोई भी फोटो बड़ी नहीं रहने देनी। अगर हमने बड़ी रहने दी, हमें समझ नहीं लगी कि हम अपनी फ़ोटो कहाँ पे एडजस्ट करें, इसलिए हमें सारी फ़ोटो पहले छोटी कर देनी है। और आपको कोई सेंटर में रखनी है, आप एक फ़ोटो सेंटर में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे ये स्क्वायर है ना, इन सब के बॉर्डर्स कैसे हटाने हैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए हम आपको अपना टूल यूज़ करेंगे, रेज़र टूल। तो ये सेटिंग हो चुकी है। अब हम ना ई से आएगा इरेजर टूल, तो इस पर क्लिक करते हैं और ये सारे बॉर्डर्स हम इसी से हटाएंगे। तो ऐसे हम सबको सबके बॉर्डर हटाते जाएंगे। इसको भी साइड पे कर देते हैं। ऐसे आप स्क्वायर भी बीच में लगा सकते हो, मर्जिंग कोलाज के बीच, जैसे मिक्स कोलाज है, सब फोटो मिक्स करके। और नहीं तो सारे आप मिक्स कर सकते हो, बॉक्स भी रख सकते हो, कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे। मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में ऐसा कोलाज आप बना लोगे। तो इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दो। ये नोट करना, जैसे फ़ोटो की फालतू चीज़ें ना बीच में आए, बस उनके जो फेसेस हैं, बॉडी है, बस वही है, जैसे फालतू की जैसे बैकग्राउंड है, ये सब मर्ज कर दो साथ में। तो इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, और इधर टूल से सब इसको मर्ज करते जाएंगे। इसको थोड़ी और बड़ी ऐसे लगा सकते हो आप टेढ़ा करके। तो इसको भी मर्ज कर देते हैं साथ में। इसको यहाँ पे बड़ी कर देते हैं साइड पे। बहुत आसान से आप बहुत अच्छे कोलाज बना सकते हो। अगर ऐसे ही फोटोशॉप में आप आइडिया लेना चाहते हो क्या चीज़ कैसे बनती है, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के दे दूँगा। तो जैसे सारी फ़ोटो लगे फिर भी स्पेस बचती है, उसके लिए क्या करना है वो भी आपको एक हल बताऊँगा। जैसे किसी भी फ़ोटो का कोई भी फेस उठाकर उतनी जगह पर आप फिल कर सकते हो। इसको कर देते हैं हम ऐसे, तो ये स्पेस खाली बच गई है। हम किसी का भी अब फेस, अगर आपके पास और भी फ़ोटो आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास फ़ोटो ही नहीं है तो फिर आप किसी का भी फेस वहाँ से उठा के लगा सकते हो। मैं इसी का लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से लिया हमने और सीधा यहाँ पे लगा दिया,
और इसको भी हमने साथ में मर्ज कर दिया। तो ये आपका कोलाज पूरा रेडी है। आप इस बीच वाली को भी मर्ज कर सकते हो, अगर आपको सारी मर्ज करना मतलब मिक्स करनी है सारी फ़ोटोज़, तो आप उस बीच वाली को भी मिक्स कर सकते हो और आपकी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस वगैरह है सारी देख लेना। इसको भी मैं मिक्स करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो आप इसको भी ऐसे मिक्स कर सकते हो, ऐसे भी अच्छा लगेगा, मगर मैं इसको स्क्वायर में सेंटर में रखना चाहता हूँ। इसके साथ आप नीचे कोई वाइडिंग टाइप करनी हो, कुछ भी करनी हो आप कर सकते हो। तो हम उस साइड पे बॉर्डर दे देते हैं इसको ब्लैक, और स्ट्रोक दे देते हैं वाइट की, कि जब कोई आपने बड़ा प्रिंट करवाना हो तो अच्छी लुक दे। तो ये आपका कोलाज रेडी हो गया। बहुत आसान तरीके से आप ऐसे कोलाज बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक ज़रूर करना, अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।